हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। आपकी वैकेंसी निकली है, 500 से ऊपर भर्तियां निकली हैं, वेरियस पोस्ट हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से आवेदन करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, विस्तार से सारी जानकारी होगा, आप देखिएगा। और आपसे निवेदन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए उसके लिए प्लीज़ स्किप ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है और आपसे एक मेरा विनती है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। अगर वीडियो में कोई कमी लगती है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएँ, हम आपका इसका कमेंट का वेट करेंगे। फ्रेंड, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी है। आप करियर टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, सिलेक्शन ऑफ अ वर्कमैन, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड की ये वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ आप ट्रेड और रिजर्वेशन आपकी सारी जानकारी मैं बता दूंगा। नेम और पोस्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं, फैब्रिकेशन असिस्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपकी लिखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, एक्सपीरियंस की जो डिमांड है वो यहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जो आप जैसे सीट मेटल वर्कर वेल्डर हैं तो 88 पोस्ट है, 71 पोस्ट है। पास यहाँ पे आपको हाई स्कूल मांगा गया है और ITI मांगा गया है, ठीक है। आप अगर ITI ट्रेड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट मेटल वर्कर के लिए मिनिमम आपको 3 पोस्ट का साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। वेल्डर का 71 पोस्ट है, UR 33 यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सेम हाई स्कूल प्लस आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम आपको 3 साल का आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटफिट आपका असिस्टेंट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, फिटर आपको दे सकते हैं, 31 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हाई स्कूल ITI होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का अनुभव मांगा गया है। मैकेनिक डीजल का देख सकते हैं 30 पोस्ट है, सेम आपको यही रहेगा, आपका अनुभव 3 साल का मांगा गया है। ट्रेड बदलती जा रही है पर अनुभव सेम रहेगा, अनुभव आपका 3 साल का रहेगा, हाई स्कूल प्लस ITI आपकी रहेगी रिलेवेंट फील्ड में। यहाँ पे जैसे मैकेनिक का मोटर व्हीकल 6 पोस्ट है, सेम रहेगा, 3 साल का अनुभव है। फिटर पाइप का आप देख सकते हैं 21 पोस्ट है, हाई स्कूल प्लस ITI 3 साल का अनुभव है, ठीक है। पेंटर का 13 पोस्ट है, हाई स्कूल प्लस ITI आप देख सकते हैं, 3 साल का अनुभव मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन 63 पोस्ट, हाई स्कूल प्लस ITI आपको मांगा गया है, 3 साल का अनुभव मांगा गया है। क्रेन आपका देख सकते हैं 19 पोस्ट है, आपका हाई स्कूल प्लस ITI मिनिमम 3 साल का अनुभव मांगा है। इलेक्ट्रिक मैकेनिक का 65 सेम रहेगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 65 पोस्ट अब सेम रहेगा, सेम आपका मांगा गया है। तो आपका शिप आपका राइट का आप दे सकते हैं 15 पोस्ट हैं, सेम रखा गया है। मैकेनिस्ट का आप दे सकते हैं, सेम रखा गया है, 11 आपकी वैकेंसी हैं, ठीक है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन का 2 और स्टाफ फोल्डर के आप दे सकते हैं कॉन्टैक्ट बेस पर रहेंगे, ठीक है। 19 पोस्ट है, यहाँ पर आपको दे सकते हैं हाई स्कूल प्लस दे सकते हैं, आपको सीट मेटल वर्कर या फिटर में आपको आपको 2 या साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे आप दे सकते हैं पास हो ऐसे हाई स्कूल से मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो, जनरल इंस्ट्रक्शन हो, स्काफोल्ड रिगिंग वर्क में, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं एरियल वर्कर प्लेटफॉर्म ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 वैकेंसी है, हाई स्कूल प्लस आपको दे सकते हैं वैलिड, आपका आपको क्रेन ऑपरेटर होना चाहिए जिसका लाइसेंस होने 3 साल का अनुभव मांगा गया है। क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है जो कि आपका JCB एरियल वर्कर प्लेटफॉर्म में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में प्रोवाइडर में या ट्रेवल एजेंसी में, ठीक है। सेमी स्किल्ड रिगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट जैसे 53 पोस्ट हैं, पास आपको 4th स्टैंडर्ड है, मिनिमम आपको 3 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। रिगिंग और विच 2 ईयर रिगिंग हैवी ड्यूटी मशीन पार्ट असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिक इरेक्शन, ठीक है, और मैकेनिकली इक्विपमेंट इट्स ई गुड नॉलेज ऑफ स्प्लिसिंग वर्क ऑफ वायर रोप, यहाँ पे देख सकते हैं सेरंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 वैकेंसी है, आपके 7th स्टैंडर्ड है, ठीक है। वैलिड सेरंग लेस्कर कम सेरंग सर्टिफाई इशू बाई कंपटेंट अथॉरिटी, ठीक है, मिनिमम 1 साल का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे देख कुक एंड CSL में दे सकते हैं गेस्ट हाउस कॉन्ट्रैक्ट 1, आपको 7वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का अनुभव होना चाहिए एज अ कुक, गवर्नमेंट या PSU गेस्ट हाउस या फैक्ट्री कैंटीन या 3-स्टार होटल मेस या आर्म फोर्स में, ठीक है। यहाँ पे उसकी जानकारी दे रखी है, 577 वैकेंसी हो जाती है आपकी, ठीक। तो उसकी ये आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी वैकेंसियों की डिटेल आ रही है, और तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो जो उनकी वैकेंसी हैं, ठीक है, जो कि हमारी
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सैलरी दे रही है, जो पोस्ट है उसके आपको कैटेगरी दे रखी है, ए बी जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको इस तरीके से रहेगी 23, 24, 24, 800, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एक्स्ट्रा वर्क के आपके रहेंगे, यहाँ पे दे सकते हैं सी डी ई एफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आप सैलरी दे सकते हैं किस तरीके से रहेंगे, एक्स्ट्रा आप काम करते तो इसके लिए आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आपके ए बी सी ए ग्रुप आ रहे हैं, इसी के अनुसार यहाँ पे आपको बनाई गई है लिस्ट, ठीक है। तो जो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने दिखा दिया है आपको, यहाँ पे एज के बारे में दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ आप जो दे सकते हैं, आपको जो एज दे रखी है 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 10 अक्टूबर 2020 से, जहाँ पे आपकी जो जी एज के आपके दे सकते हैं नॉट एक्सीड 50, 10 अक्टूबर 2020 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो रहेगा आप दे सकते हैं 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए, ठीक है, सेम इसी में रखा गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, आपके आईटीआई के मार्क्स होंगे 20%, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन आपके होंगे 30, प्रैक्टिस टेस्ट की 50 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रखा है, रैंक लिस्ट रेस्पेक्टिवली शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क सिक्योर्ड बाई कैंडिडेट, ठीक है, अब पैरामीटर, ठीक। इसके बाद आपको सेम एग्रीगेट मार्क सिक्योर किए जाएंगे, उसी के हिसाब से आपको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिए 2 पार्ट जनरल होंगे, एक आप 10 पार्ट के होंगे, ट्रेड रिलेटिव होंगे जो 20 मार्क होंगे, ठीक है। इस तरीके आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी आ रही, वो आप रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट के आपके 80 और फिजिकल के आपके 20% रखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, वो यहाँ पे आप देखते हैं कंडीशन दे रखी है, वो यहाँ से आप रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ रही है, बेंचमार्क की डिसेबिलिटी आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, उसके यहाँ पे आपको आपको बता रखा है शॉर्ट में जो उन्होंने लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन की मैं आपको जानकारी दे सका हूँ, आपको यहाँ पे दे सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दे सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड से होना चाहिए, अप्रूव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इंडियन स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल से होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सपेंस के आपको मैं बताई जाऊँ कि आगे कितना एक्सपेंस मांगा गया है, एप्लीकेशन फीस 300 रुपये रहेगी, यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। 200 रुपये फीस आपकी रहेगी, यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है किस तरीके से आवेदन करना है, वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए आप दे सकते हैं, इसके आप वेबसाइट पे जाकर आवेदन करेंगे, मैं बता देता हूँ किस तरीके से आवेदन करना है। 24 तारीख से हम आवेदन कर सकते हैं, यहाँ भी इस चीज़ की डेट, उसकी ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ 24 सितंबर से ले 10 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको कोई क्वेरी के लिए ईमेल आईडी पे आप जाकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब किस तरीके से आवेदन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, ये आवेदन करने के लिए आप इसका जो लिंक है, यहाँ पे आपको नाम देना है जो कि आपके आधार के अनुसार होना चाहिए, नाम, लास्ट नेम, यूजर डेटा, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड क्रिएट करना है, रिपीट पासवर्ड, ईमेल आईडी, रिपीट ईमेल आईडी आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए आपको इस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड, आपकी ईमेल आईडी पे आपको लिंक मिल जाता है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद प्लीज़ आपको पर्सनल करियर पेज पे भेज देगा, ये डायरेक्ट कर दे, इस पर क्लिक करा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं माई प्रोफाइल आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। माई प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अदर आपको सर्टिफिकेट, स्किल, अटैचमेंट और ओवरव्यू रिलीज आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें स्टेप क्लिक कंप्लीट करने होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देनी है, नेशनलिटी आपको देना है, ठीक है। तो मैं नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारी, ठीक है, इंडियन है, तो इंडियन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, शादीशुदा है या नहीं उसकी जानकारी देनी है, आपको डिसेबिलिटी यस या नो करना है, ठीक है, यस करते हैं। तो रिजर्वेशन कैटेगरी भी आप बताना है, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फादर, स्पाउस या गार्डियन का अपना नाम देना होगा, उनमें से किसी एक का, ठीक है। डिसेबिलिटी को यस या नो कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आ रही है, जनरल ओबीसी एसटी, उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप उसके बाद आपको एक्स सर्विस मैन है या नहीं, यस या नो कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको आधार नंबर देना है, डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्क सीएसएल, आपको कोई आपका संबंधी इसमें सीएसएल में काम करता है, यस या नो कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यस करने के बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं रिलेटिव वर्क इन सीएसएल में, आप उसको जानकारी देनी होगी। यहाँ पे आप दे सकते हैं अगर आपको कोई संबंधी आपका सीएसएल से रिटायर है तो उसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक्स सर्विसमैन के बारे में आता है तो आपको कंप्लीट सर्विस ड्यूरेशन के बारे में बताना होगा,
डिसेबिलिटी करते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देनी है कि आप किस टाइप की डिसेबिलिटी है। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो आपका रेजिडेंस है, परमानेंट रेजिडेंस है, उसके बारे में जानकारी देनी होगी, ठीक है। उसकी यहाँ पे आप दे सकते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट है, उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि आप दे सकते हैं एड्रेस आ रहा है, कंट्री आ रहा है, जिस कंट्री से है, पोस्टल कोड और सिटी, यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। कम्युनिकेशन डाटा आपके लिए यहाँ पे ईमेल आईडी आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रेफरेंस आपको बताएं, आप जिसको प्रेफरेंस देना चाहें उसको दे सकते हैं, जैसे परमानेंट पर देना चाहते हैं परमानेंट, और टेम्परेरी को देना चाहते हैं टेम्परेरी, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो एक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपकी जो आपके टेलीफोन नंबर है, वुड यू प्रेफर टू, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे प्राइवेट बिजनेस मोबाइल, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे आपको देने होगा, ठीक। इस तरीके से प्रेफर टेलीफोन नंबर, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल है, फिर वर्क एक्सपीरियंस आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन सेक्शन में आ गए, यहाँ पे एड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ बोर्ड, स्टार्टिंग डेट, पासिंग आपने कब किस में की थी वो बताना है, ठीक है। कंट्री, सिटी, इस तरीके से हमें यहाँ पे सारी जानकारी देनी होगी। एजुकेशन टाइप जो था, ब्रांच ऑफ स्टडी, परसेंटेज, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन देना है एंड द डेट, इस तरीके से यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट आपको जो डिग्री और सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो आपने हाईएस्ट कर रखा है उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल को ऐड हो गया यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। मैंने पूरी डिटेल को भर लिया था, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे हमको सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको करना होगा ऐड टोटल और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस की जानकारी देनी होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, पब्लिक थी, प्राइवेट थी, जो भी थी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन, एचओ एड्रेस, करंट जॉब, स्टार्टिंग डेट कब तक की थी, करंट पोस्टिंग, सिटी ऑफ पोस्टिंग, इंडस्ट्री क्या थी, यहाँ पे आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। जो भी फिक्स है आपका सेक्टर था उसके बारे में बताना है, आपका फंक्शन एरिया क्या था वो यहाँ पे आपको डिसाइड करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे हायर लेवल क्या था वो जानकारी देनी है, ठीक है। जॉब टाइटल, आपके स्केल ऑफ पे क्या था, एनुअल सीटीसी क्या था, कंजेंसी क्या थी, वो सब यहाँ पे आपको जानकारी देके ओके और कैंसिल आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इस तरीके से वो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाती है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे अदर्स आपको जो दे सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट स्किल आ रहा है, इस पर लिंक पे क्लिक, इस तरीके से ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिटेल आ जाती है, आपकी बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। बिगिनर इंटरमीडिएट, आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, आपके यहाँ पे इसको उस तरीके से कर सकते हैं। बिगिनर इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको जो अदर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया है, देखिए अब इसमें एक आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे पूरी जानकारी आ रही है उसके बारे में, आप दे सकते हैं लैंग्वेज नोन, इसके बारे में आपको जानकारी आ रही है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप बताना है, स्पेशली क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे आपको देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ऐड कर दीजिए, ठीक, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो जैसे अटैचमेंट, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट अपलोड का, फोटोग्राफ, रिज्यूम, जो भी कर रहे हैं उसको बताना है, लैंग्वेज आपको बतानी है, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, जो भी है, यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप फोटो अपलोड कर रहे जिस तरीके से अपलोड करेंगे, ओवरव्यू और रिलीज, आप उसकी पूरी जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा, यहाँ पे इसके फॉर्म फिलअप करने का आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, ऐसी वीडियो की जानकारी बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।